बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाउंडेड फंक्शन के बारे में। बाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं, इससे पहले हमने बाउंडेड फंक्शन पढ़ा हुआ है। बाउंडेड, अगर मैं आपको सिर्फ एक बाउंडेड का मीनिंग बताऊं तो बाउंडेड का मैंने आपको बताया था जिसकी रेंज फाइनाइट होती है। लेकिन हमारे पास बाउंडेड की कुछ टाइप्स होती हैं। बाउंडेड अबव हो सकता है, बिलो हो सकता है, बाउंडेड हो सकता है, या आपके पास कोई अनबाउंडेड फंक्शन हो सकता है। तो हम रीड आउट कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड अबव, बिलो, बाउंडेड किसी सेट एस पे आर द सेम फॉर फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल, फॉर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। जैसे हम किसी वन वेरिएबल के फंक्शन के लिए बाउंडेड, बिलो, अबव, बाउंडेड प्रूव करते हैं, इसी तरह हम किसी फंक्शन के एन वेरिएबल के लिए भी उसको प्रूव कर सकते हैं। एज आर द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ ऑन ए सेट एस। ठीक है, अब हमारे पास एक थ्योरम है। सुप्रीमम और इन्फिमम से आपको पता होगा, सुप्रीमम हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड होता है, इन्फिमम भी हम किसी फंक्शन सेट का निकाल सकते हैं। तो जैसे हमारे पास किसी सेट एस पर सुप्रीमम और इन्फिमम को डिफाइन करते हैं, इसी तरह से हम इसके बाउंडेड बिलो अबव को डिफाइन करते हैं। बाउंडेड बिलो, अगर आपने रियल एनालिसिस कोर्स वन में पढ़ा है तो आपको याद होगा कि हम बाउंडेड बिलो अबव किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम में वो कह रहे हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी कम्पैक्ट सेट पे आर एंड पे एंड सेवरल वेरिएबल्स पे, तो फंक्शन बाउंडेड भी होगा। तो मैंने आपको कम्पैक्ट सेट भी बताया था। कम्पैक्ट सेट क्या होता है? कम्पैक्ट सेट होता है कि आपके पास फंक्शन, पहली बात फंक्शन क्लोज हो, और दूसरी बात फंक्शन जो आपके पास कम्पैक्ट सेट है, फंक्शन पहली बात क्लोज हो और दूसरी बात आपका फंक्शन बाउंडेड हो। तो हम कम्पैक्ट सेट को हमने पढ़ा था हैनबर्ल थ्योरम में, उसकी स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था कम्पैक्ट सेट क्या होता है। क्लोज और बाउंडेड सेट को हम कम्पैक्ट सेट कहते हैं। तो आपके पास जो सेट है ना, सेट हम फंक्शन की बात नहीं कर रहे, जो हमारे पास एस सेट है ना, वो हमारे पास एक कम पहली बात वो क्लोज होना चाहिए, फिर बाउंडेड होगा। और अगर ये दोनों चीज़ें प्रूव हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि फारा जो फंक्शन है ना एफ, वो कंटिन्यूस है उस एस पे। और एस क्या है? क्लोज और बाउंडेड है, मतलब कि कम्पैक्ट है। तो हमारा फंक्शन अगर कंटिन्यूस हो जाता है एस पे तो हम कहेंगे कि फंक्शन बाउंडेड होगा एस पर। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम बहुत सिंपल सा है, स्टेटमेंट उसकी रीड आउट करते हैं। स्टेटमेंट में क्या है? स्टेटमेंट में है आपके पास कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एन वेरिएबल्स पे किसी सेट एस के, तो हम उस फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करेंगे। अब एस में हमारे पास तो हम दो फंक्शन ले लेते हैं, एक एक्स वन कह लेते हैं, एक एक्स टू कह लेते हैं। कहते हैं कि एक्स वन एक्स टू एस से बिलोंग करते हैं। अब हमारे पास जो अल्फा फंक्शन होगा ना, अल्फा वैल्यू को हम इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स कहेंगे, बीटा को हम सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स कहेंगे, और फिर हम एफ ऑफ एक्स वन को अल्फा, एफ ऑफ एक्स टू को बीटा कहेंगे, और एक्स वन एक्स टू हमारे पास एस में से आ रहे हैं। यहाँ पे इस सारे बात का क्या मतलब है कि हम बेसिकली फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी कॉम्पैक्ट सेट पर प्रूव कर रहे हैं। और किस तरह से हम उसको प्रूव करते हैं? हम उस फंक्शन के अंदर से इन्फिमम निकालते हैं उस फंक्शन का, हम उसको हम अल्फ़ा नाम दे देते हैं, फिर हम उसका सुप्रीमम निकालते हैं, हम उसको बीटा नाम दे देते हैं। अब जो अल्फ़ा आता है ना उसको हम एफ ऑफ एक्स वन कह सकते हैं, और जो बीटा आता है उसको हम एफ ऑफ एक्स टू कह सकते हैं, कुछ और भी नाम देख सकते हैं। हम अल्फा को एफ ऑफ एक्स टू कह लें, बीटा को हम एफ ऑफ एक्स वन कह लें, लेकिन एक्स वन एक्स टू हमारे पास कहाँ से आते हैं? एस से आते हैं। ये एक आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट थी। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो कर लें, वरना आपके पास ये एम सी क्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास नेक्स्ट एक थ्योरम है। थ्योरम में वो क्या कह रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन अ रीजन एस इन आर एन, सपोज ए एंड बी आर। अच्छा जी, ये आपके पास जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ये हमने रीड आउट की थी कि हमारे पास जो फंक्शन होता है जब दो वेरिएबल्स के दरमियान में, या दो किसी सेट के अंदर से दो पॉइंट्स के दरमियान में, या दो हम कह सकते हैं सबसेट्स के दरमियान में आ जाता है, मतलब एस का सबसेट ए और बी यहाँ पे है, तो हम जो फंक्शन उसके अंदर लाया करता है ना यू, जैसे कि यू एफ एफ ए, यू एफ एफ ए से बड़ा लेकिन एफ एफ बी से छोटा, तो ये जो यू है ना यहाँ पे हम इस यू को इंटरमीडिएट वैल्यू बताते हैं, मतलब कि यह हमारे पास जो U लिखा है ना, ये हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हम इससे पहले रीड आउट कर चुके हुए हैं, रीड आउट कर लेते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट, एफ बी कंटिन्यूस ऑन ए रीजन एस इन आर एन, सपोज ए एंड बी आर इन एस, एस में से हैं, एफ ऑफ ए जो है वो लेस देन यू, यू होगा यू, लेस देन एफ ऑफ बी होगा, और इन दोनों एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी से हम एक न्यू फंक्शन सी निकालेंगे, वो भी एच में से ही आएगा, और एफ ऑफ सी हमारे पास यू के इक्वल होगा। इस थ्योरम का प्रूफ है हमारे पास, इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके पास, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। आपके पास स्टार्ट क्वेश्चन में ये थ्योरम आ सकता है। अब देखें, इफ देर इज नो सच इन सी, अगर आपके पास कोई सी नहीं आता, देन हम एस को आर यूनियन टी लिखते हैं।
आर यूनियन टी क्यों लिखते हैं? देखें, अब आर क्या है हमारे पास? आर है एक्स, एक्स बिलोंग करता है एक्स से और एफ ऑफ एक्स लेस देन यू हो, और टी क्या है? एक्स बिलोंग करता है एक्स एस से और एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन यू हो। अगर एक्स नॉट आर में है, अब हमारे पास कोई नया एक्स सेट आया एक्स नॉट और वो आर से है, ठीक है, और आर क्या है? आर और टी हमारे पास एस से आए हैं, तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इम्प्लाइज दैट देर इज अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स लेस देन यू होगा, एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा होगा और एक्स बिलोंग करेगा एस से। यहाँ पर इस सारी बात को करने का मकसद क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी थी आर यूनियन टी। अब ये अगर आपको याद हो, हमने कनेक्टेड सेट्स पढ़े थे, डिसकनेक्टेड सेट्स पढ़े थे। कनेक्टेड सेट्स क्या होते थे, डिसकनेक्टेड सेट्स क्या होते थे, एक दफ़ा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। डिसकनेक्टेड सेट्स क्या होते थे? उसमें हमारे पास तीन के चार कंडीशंस थी, वो प्रूव होना ज़रूरी थी। पहली कंडीशन थी हमारे पास ए कभी भी एम्प्टी सेट जो है वो नहीं होना चाहिए, बी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। ए को लेकर इंटरसेक्शन बी ले तो फाई आए, बी को लेकर इंटरसेक्शन बी ले तो फाई आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, और कनेक्टेड सेट्स क्या थे? कनेक्टेड सेट्स थे कि हम उस फंक्शन को क्या कहता था कनेक्टेड सेट, हम हमारे पास कि हम उसको इम्पॉसिबल होता है किसी सेट एस को रिप्रेजेंट करना उसके यूनियन में ऑफ डिसजॉइंट सेट्स में। तो अब हमारे पास आर एक डिफरेंट सेट है, टी एक डिफरेंट सेट है, तो हम आर यूनियन टी लिख सकते हैं। इट्स मीन कि हमारे पास एक कनेक्टेड की प्रूफ हुई है, देन एक्स नॉट आर से बिलोंग करता है, कंटिन्यूटी इम्प्लाई करती है कि एफ ऑफ एक्स अगर आर और टी में ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो मतलब एफ आर में हमारे पास था एफ ऑफ एक्स लेस देन यू, तो ये कंडीशन हमारे पास प्रूव होगी, और ये हमारे पास एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा आ जाएगा। हम यू डेल्टा की कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे। दिस मीन्स डैट कि एक्स नॉट टी के कोलेयर में बिलोंग नहीं करता। टी के कोलेयर में क्यों बिलोंग नहीं करता? जब हम इसका कोलेयर लेंगे तो एक्स नॉट आर में था, अब आर में है, तो इसमें तो सिर्फ वही पॉइंट आएंगे जो यू से छोटे होंगे, एफ ऑफ एक्स में यू से छोटे होंगे, और जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे ना आर का इसके साथ, तो या हम इसका टी का कोलेयर लेंगे और आर को इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास कभी भी वो बिलोंग नहीं करेंगे, दोनों इक्वल नहीं आएंगे। इट्स मीन कि जब हम आर का इस आर का इस टी कोलेयर से इंटरसेक्शन लेंगे, यहाँ पे टी का कोलेयर से, तो हमारे पास फाई आना चाहिए, आर के लिए इंटरसेक्शन टी भी फाई आना चाहिए, और जब ये दोनों कंडीशन प्रूव हो जाएंगी कि तो हम कहेंगे हमारे पास फंक्शन डिसकनेक्टेड है, क्योंकि हमारे पास ये डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन को प्रूव कर रहा है। विच कंट्रडिक्ट्स द अजम्पशन, एस इज अ रीजन, हमने कंट्रडिक्शन कर ली कि एस रीजन है। रीजन क्यों है, रीजन क्या होते हैं? रीजन तो हमारे पास कनेक्टेड सेट्स होते हैं, और हमने यहाँ पे एक कनेक्टेड सेट को लेकर चले थे और हमने इसको डिसकनेक्टेड जो है वो प्रूव कर दिया। Hence we conclude कि एफ ऑफ सी यू हो के इक्वल एफ आर सम सम सी इन एस। उसके बाद हमारे पास थेरम है। थेरम में वो क्या कह रहे हैं? थेरम में हमारे पास है फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यू ऑन ए सबसेट ऑफ इट्स डोमेन इन आर एन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन है। हम फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बार लेस देन एप्सिलॉन। ये हम कंडीशन इससे पहले बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, मैं अब इसको मजीद एक्सप्लेन नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए फंक्शन है। हम यहाँ पे क्योंकि टॉपिक पढ़ रहे हैं बाउंडेड, तो बाउंडेड के लिए, तो बाउंडेड में एफ एफ एक्स माइनस एफ एफ एक्स बार होगा, डेल्टा एप्सिलॉन की कंडीशन होगी, और हम फंक्शन को जो है वो इस तरह से थ्योरम को, ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अब रिमार्क क्या है, वो एम्फेसाइज दैट डेल्टा मस्ट डिपेंड ऑन द एप्सिलॉन एट एस। जो डेल्टा होता है ना, वो हमेशा बाउंडेड फंक्शन में एप्सिलॉन एस पे डिपेंड करता है। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, डेल्टा डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन एंड एस एंड नॉट ऑन द पर्टिकुलर एक्स एंड एक्स बार। एक्स एक्स बार पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, ये हमारे पास एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा होता है, और हमारे सेट पे डिपेंड कर रहा होता है, जो हमारे पास सबसेट होता है फंक्शन के अंदर से, जो सबसेट होता है एस निकाला होता है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो किसी सेट एस पे, कंटिन्यूस है कम्पैक्ट सेट एस पे, देन फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ये वही बात जो हम पीछे देख चुके हैं, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है किसी कम्पैक्ट सेट पे तो फंक्शन बाउंडेड होगा, और ये इस तरह से भी हो सकता है, ये आपके पास दो डिफरेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है कम्पैक्ट सेट पे तो हमारा फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा। प्रूफ भी उन्होंने कहा है, तो अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन यहाँ पे आपके पास एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि सॉल्व करने वाले होंगे, जो हमारे पास इससे नेक्स्ट टॉपिक है ना, उनसे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, तो आपने नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से तैयार करने। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।